जी हाँ, मध्य प्रदेश के उज्जैन जिला के खाचरौद थाना अंतर्गत गांव संडावादा तहसील खाचरौद में आता है। वहां पर दर दर भटकने को मजबूर है अन्नदाता। दबंगों ने किया भूमि पर कब्जा, मौत को गले लगाने को है मजबूर। जहां एक ओर शिवराज सरकार अन्नदाता के हितों की बात करती है, तो वहीं दूसरी ओर आज किसान इतना बेबस और लाचार दिखाई दे रहा है। जी हाँ, ताजा मामला जिला उज्जैन के अंतर्गत खाचरौद तहसील में पड़ने वाले गांव संडावादा फंटे का है, जहां पर एक किसान पिछले 20 सालों से भूमि पर किसानी कर अपने परिवार का पालन पोषण कर रहा था और अपना पेट पाल रहा था, परंतु पिछले कुछ दिनों से अपने हक की लड़ाई कर रहा है। रतननाथ अपने द्वारा की जा रही खेती करने को लेकर चिंतित है। कुछ दबंगों द्वारा पट्टे में मिली भूमि को दबंगों द्वारा हथिया लिया गया है और बार बार भूमि पर जाने पर किसान रतननाथ को और उसके परिवार को जान से मारने की धमकी दी जाती है। शिवराज सरकार में अपराधों के बढ़े ग्राफ ने बढ़ाई चिंता। दबंगों द्वारा किसान को 20 वर्ष से जिस जमीन को सींच कर अन्न पैदा की हुई भूमि से धमका कर डरा कर उसे उसकी ही भूमि पर से हटाया जा रहा है, उसकी ही भूमि पर नहीं जाने दिया जा रहा। उससे यह अंदाजा लगाया जा सकता है कि शिवराज सरकार किसानों के लिए कितनी चिंतित है। अगर यही हाल रहा तो किसानों के आत्महत्या के मामले और बढ़ जाएंगे। अगर किसान की समस्या का निवारण नहीं किया गया तो किसान ने दी अपने परिवार सहित आत्महत्या की धमकी। सभी सरकारी अधिकारियों के ऑफिस व पुलिस स्टेशन के चक्कर काटते काटते आखिर किसान ने अपने परिवार के साथ आत्महत्या की चेतावनी दे डाली। देखिये, उज्जैन से मुरलीदास पैरागी की जय। उनका पेट कैसे पालते हुए सर? ये भूमि थी हमारा पालने के लिए, करते थे हमारा गुजारा और ये छीन लिया हमारे से। अच्छा, ये दबंग लोगों द्वारा किया जा रहा सर हमारे ऊपर। तो आपको कुछ केस केस क्या किया जा रहा है, मतलब क्या धमकाया जा रहा है, क्या किया जा रहा है? मारने की धमकी दे रहे हैं। अच्छा, मारने की धमकी दे रहे हैं कैसे? क्या मारने की, मतलब कि तेरे को 3 मिनट के अंदर उठवा देंगे, तेरे को मरवा देंगे, ऐसा बोल रहे हैं। जमीन पे एक तो सर बालूनाथ है। हाँ, बोला कौन कौन? बालूनाथ, हाँ, एक लाला परिवार का कोई है। हाँ, जो उज्जैन का है। हाँ, उसके दम के ऊपर हमको धमकी दी जा रही है। अच्छा, और एक लाखन सिंह है जो ट्रैक्टर चला रहा है, खेत में चलाया था। हाँ, खेत में चलाया था। ट्रैक्टर पकड़ा उसका। अच्छा, एक बार तो फसल नष्ट कर दिया, एक बार पहले फसल बोर्ड कर दिया हमारी। पहले तो दवाई आपसे पैसे वैसे भी लिए गए थे जमीन के नाम से? हाँ सर, जमीन के नाम से पैसे लिए गए सर। कितने पैसे लिए गए थे? देखो सर, एक बार इन्होंने 1 लाख लिए और जिसके बाद फिर 50,000 लिए। हाँ, बोते समय फिर 50,000 लिए 10-20 आदमी के सामने सर। लाख और जिसके बाद में एक बार 10,20,000 लिए सर इन्होंने। अच्छा, अभी समझौते के लिए क्या बोल रहे हैं? क्या समझौता करने के लिए बोले? नहीं, लट है उनके पास। अच्छा, उनको तो उनका मतलब आपकी जमीन लेने के बाद में उन्होंने ऐसा कहा कि क्यों ले, आप पैसे ले लो या आपके पैसे वापस? नहीं सर, ऐसा नहीं बोलते। भगो तुम तो आना ही मत। अगर वो देते तो कोई बात नहीं, वो नहीं देते। तलवार लेके आते काटने के लिए, दादियाँ लेता उनके हाथ में मारने के लिए, और भी पड़ती हमारे पे मारने के लिए, और आदमी भी पड़ते। ये शैतान नाथ है, एक शंभू नाथ है, एक रतन नाथ है, और दूसरे लोग भी है साथ में। तो क्या हथियारों से आते मारते? हथियारों से आते सर, यही चौराहे पे ग्रुप है इनका। ये कम से कम 20-25 आदमी है सर, एक नहीं है। अच्छा, 25-30 आदमी है सर। ये 33 आदमी यहाँ 2 महीने तक बैठे रहे सर, यहाँ पे इसके घर बैठे रहे, रतन नाथ के घर पे सब। ये रतननाथ ने कहा ये पुलिस ने कोई कार्रवाई भी करी थी ट्रैक्टर जब्त करने की? सर वो तो अब ये औरत गई थी सर। हाँ, रिपोर्ट लिखाने। हाँ, ये तो इसकी रिपोर्ट नहीं लिखी। अब आप गई थी वहाँ पे रिपोर्ट लिखाने? हाँ, गई थी मैं। हाँ, मुकुला कर। नहीं, 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 नहीं। हाँ तो क्या हुआ था बताओ आपके साथ? बैठा था क्या दिन बाद हमको वहाँ पे, और शाम को ट्रेन पे फिर थोड़ा सा लिखा उन्होंने ना, फिर एक बार तो डरा दिया मेरे को। अच्छा, हाँ, क्या नाम क्या आपका? कमला भाई। ये जो भी जमीन का मामला है इसकी लिखा पड़ी आपके नाम से थी? हाँ, जी हाँ सर। तो आपको प्रशासन ने जो आपने शिकायत की थी उसके ऊपर क्या भरोसा दिलाया गया था? प्रशासन ने दिलाया कि भाई हमारे को भरोसा, वो सामने वाली पार्टी आएगी तारीखों पे, वो सर तारीख करी नहीं उसने। अच्छा, आप तारीख नोटिस? हम तो बिल्कुल जाते रहे सर, तारीख हर बार मैं जाती हूँ, वो पेश नहीं होते, वो पेश नहीं होते, नहीं होते सर। और फिर भी मतलब आपके साथ में अन्याय किया जा रहा है? अन्याय किया जा रहा है सर हमारे साथ। अगर मान लो आपके साथ में न्याय नहीं होता जी, तो आप क्या करोगे? सर हमारा तो एक ही विचार है, अब मर तो यूँ भी गए हैं, जितने 5-6 बच्चे 7 बच्चे हैं मेरे, अब हमने ये विचार करा कि यहीं पे
या तो पेट्रोल डाल के चलेंगे या यहाँ पे पाइजन ला के जेर खा के हम तो यही सो जाएंगे सर, बस इससे अलावा हमारे पास कोई चारा नहीं है। यही आधार है सर मेरे पास, एक ही आधार था, हमसे छूट गया सर। कितने बच्चे अभी आपकी पुलिस क्या बोल रही है आपके केस में? अभी तो सुने नहीं रही, अभी तो नहीं सुन रहे, बिल्कुल भी नहीं सुन रही है सर। आपने पुलिस में जाके आप कौन गया था आपके? मैं गया था, ये दोनों गए थे, दोनों गए थे भाई। आप गए थे वहाँ पे पुलिस में रिपोर्ट कराने? पुलिस आने क्या बोला पुलिस आने वाले? मौका देखने आएंगे, मौका देखने आएंगे और तो हो जाएगा तुम्हारा, हर बात ऐसे ही बोलते हैं। सर आवेदन दे के छोड़ दिया, पूरी कार्रवाई कुछ नहीं करी, जो कायमी बनाना थी कायमी नहीं बनी, वो कच्ची रिपोर्ट। आपके साथ में ऐसा भी हुआ कि रिपोर्ट आप लेडीज आपकी जो वाइफ गई थी रिपोर्ट दर्ज कराने और रिपोर्ट आपके लड़के के नाम से लिखी? हाँ, नहीं ऐसा सर, शुरू बार में भी ऐसा ही हुआ। हाँ, कि जो हम चाहते थे बोलना, हाँ, कि ये साथ हमारे साथ हुआ, पेट्रोल डाल रहे थे औरत पे, हाँ, शुरू बार पकड़ा यहाँ पे और इसके बाद औरत भग के सीधी इधर गई, है ना। तो हमने ये हम बोलना चाहते थे कि देखो पेट्रोल डाल रहे थे वहाँ पे, मार रहे थे वहाँ पे, तो सर औरत गई वहाँ पे, तो मैं भी गया साथ में, तो औरत की नहीं लिखेंगे? अच्छा। जो हम बोल रहे थे वो तो लिखना चाहते ही नहीं, हम बताते वो नहीं लिखते हैं, वो अभी चार दिन पहले की रिपोर्ट, अभी वो उनकी इच्छा से कुछ भी लिखते हैं। कौन सा ग्राम पंचायत है, कौन से गांव है ये? ग्राम संडावदा है सर, तहसील खाचरोदे, थाना भाट बचलाना है सर, जिला अर्जन लगता है। अब बोलो, जबरन आंका जा रहा है सर जमीन को, हमारी फसल नष्ट कर दी सर, देख लो ये काला खेत पड़ा है, और कल परसों दिन आके फिर भी ये डबल कब्जा करने की कोशिश की सर। आपने इसकी शिकायत जो न्यायालय में मतलब अपने जो तहसील में भी की थी जी, उसके ऊपर क्या हुआ, क्या निर्णय लिया अधिकारियों ने? शुरू स्टार्टिंग में सर फसल आंकी मेरी, हाँ, फसल नष्ट होने के बाद हम वहाँ गए सर दौड़ के, कोई निर्णय नहीं लिया, खेत में गए, थाने में गए, हाँ, तो थाने में जाने के बाद सर दिन भर बैठे रहे, हाँ, उसके बाद हमारी रिपोर्ट लिखी गई। अच्छा, और रिपोर्ट ऐसी लिखी गई सर कि उसमें धारा बहुत कमजोर है। अच्छा, क्या बोल रहे थाने वाले, क्या बोले? हो जाएगा हाँ। और कभी आए मतलब कोई मामला हुआ तो हाँ। आपके जो थाना कौन सा लग रहा है आपका? हमारा भाट पचलाना, भाट पचलाना वाले थाने वाले आपके साथ आए यहाँ पे कभी, जैसे आप गए कोई भी आपके से मतलब एक मतलब, बार आए सर, आए थे पंचनामा तो उन्होंने क्या कार्रवाई की फिर उसके बाद में? बस कर रहे कार्रवाई, मतलब उनका ये कहना है कि बस पूछ नहीं सकते सर, वो तो डराते डांटते। गोपाल जी कितने सालों से आप यहाँ पे इस गांव में? बीस पच्चीस साल वगैरह न्यू तो हाँ, पर मकान बनाने। अच्छा, मकान बनाने। एक बात बताओ, आपके पास में ये रत्ननाथ का ये खेत था, कितने सालों से यहाँ पे ये? शुरू से यही है। हाँ, तो फिर क्या हुआ एकदम? वो पट्टो बनाने मिल जाए तो आना पैसा कोड़ी लेने आंखी जो फिर था तब वो दूसरा मतलब इनका पट्टा था और वो उनको पैसे ले लिए इनसे, है ना। हाँ। और पट्टा पैसे लेके मतलब पैसा भी ले लिया और खेत से भी मतलब ले लिया। हाँ। अच्छा अच्छा, सोयाबीन बोया। अच्छा, बरसों से बो रहे हैं सर। कितने साल हो गए इनको बोते बोते? अभी ये 20-25 साल जितना बोई दी रही है, अभी भी सोयाबीन हल्के भी बोया था। जब मैं आई, मेरा छोरा यहाँ सड़क पे काम कर रहा था, इसने देखा ट्रैक्टर और जाके मना करने गया, इसको तो मारने के लिए दौड़े। हाँ। और मेरे को बंदूक अड़ाई, मैंने खरीदी जमीन, क्या यहाँ से नहीं तो उड़ा दूंगा तेरे को, यही जमीन मैंने खरीदी है। किसने अड़ाई बंदूक? ये लखन सिंह और वो लाला, तो लाला ना रहे के लखन सिंह, लाला सर कोई हम उसको पहचानते नहीं, यही लोग पहचानते हैं, रतननाथ पहचानता उसको, रतननाथ चेता नेका नाथ। अब ये बताओ आप लोग क्या चाहते हो? जमीन दे दे, आया हमारे पैसे दे दे, कोई मतलब नहीं हमारा। अच्छा, चलो धन्यवाद।